चलिए यहाँ पर देखते हैं आज क्लास 10 का ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्या क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? ये अगर कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, ठीक है, तो इसको इंटरनली कोई एक पॉइंट इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो किसी रेशियो में इंटरसेक्ट करता होगा, इधर 1:2 उधर 2 होगा, इधर 1 पार्ट में उधर 2 पार्ट में, या इधर 3 पार्ट और उधर 1 पार्ट, इस टाइप से कोई ना कोई रेशियो में उसको डिवाइड करता होगा, इंटरसेक्ट करता होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है जिस फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकाला जाता है किसका, जो पॉइंट यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करता है। कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसको किस रेशियो में m1 और m2 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, m1 x2 लिख सकते हैं प्लस, और ये इसके साथ m2 x1। तो ये जो है यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर देख सकते हैं एक m1 और एक इसके साथ, एक ये और इसके साथ, ये x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, और y में करना है m1 प्लस m2। इसी तरह से यहाँ जगह नहीं है, यहाँ नीचे लिखते हैं। अब y कोऑर्डिनेट कॉमा के बाद जो है y का कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो m1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y2 के साथ, ठीक है, प्लस ये m2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो m2 जो है y1 के साथ, और y में m1 प्लस m2 ही रहेगा। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला से यहाँ पर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ किसको किसको। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, उसका क्या किया है 4-1 7 और बी का मान लेते हैं 4-3, ठीक है, और इसको किस रेशियो में, 2:3 का रेशियो में, हम लोग जिस तरह से मल्टीप्लाई किए थे, ये 2 इसके साथ और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट करके, लेट द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इतना एंड बी का कोऑर्डिनेट इतना, विच डिवाइड्स बाय पॉइंट पी इन द रेशियो 2:3, ठीक है, उसके बाद इसको बना सकते हैं आप, और यहां लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी P = ठीक है, यहां एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये जो था m1 x2 m1 x2 m2 x1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देंगे तो क्या लिखा आएगा, ये x1 m2 और प्लस में x2 m1, ऐसा भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है, बस यहाँ हम m1 को क्या किए हैं, पहले लिख दिया और x वाला को बाद में लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखा आएगा, m1 y2 और m2 y1, बाय में m1 प्लस m2 लिखा आएगा, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है, सिंपली इसको पुट कर देना है, p = क्या निकल जाएगा, p का कोऑर्डिनेट m कितना है 2 है, 2 बैठा देंगे इनटू में, ये x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, x का निकल रहा है, x वाला लेंगे 4, 2 × 4 प्लस ले लेंगे, m2 कितना है 3 के साथ में ये -1 × 2 हो जाएगा, और बाय में m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, अब यहाँ से फिर ये m1 कितना है ये 2, y कोऑर्डिनेट तो y ले लेंगे यहाँ पर 2 के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा,
प्लस थ्री के साथ में माइनस सेवन मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सेवन है, सेवन मल्टीप्लाई होगा और बाय में एम वन प्लस एम टू, यानी कि ये टू प्लस थ्री हो जाएगा। एम वन जो था, एम वन और एम टू, टू और थ्री एट हो जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, फोर टू जा एट, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, बाय में टू और थ्री फाइव हो जाएगा एट होके। यहां से आ जाएगा टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा और प्लस में सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, बाय में फाइव। यहां से ये आ जाएगा एट माइनस थ्री फाइव, फाइव बाय फाइव को काट के वन लिख सकते हैं यहां से, और यहां माइनस सिक्स और प्लस ट्वेंटी वन, इसको अगर माइनस कर देते कितना आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, प्लस में फिफ्टीन बाय फाइव कितना आ जाएगा, थ्री। ये हो जाएगा पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका टू, ये टू है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको तीन इक्वल मतलब थ्री इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं पी और क्यू, तो थ्री इक्वल पार्ट, अगर यहाँ पर लेते हैं इधर वन पार्ट है, उधर कितना पार्ट है, एक और दो, दो पार्ट है, इसका जब निकालेंगे पॉइंट पी का रेशियो, पी का पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ रेशियो क्या लेंगे, वन इज टू टू, क्योंकि इधर वन है उधर टू है। और जब क्यू का निकालेंगे तो इधर कितना पार्ट है, टू पार्ट है, और उधर कितना पार्ट है, वन पार्ट है, बस सिंपली बैठा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं इसका, मान लेना है, मान लीजिए यहाँ पर लेट दी टू पॉइंट ज्वाइनिंग दी लाइन सेगमेंट, ए इतना बी इतना, ठीक है, विच इज ट्राइसेक्ट बाय पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला यहां से एक्स वाई का जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एम वन एक्स टू, पहले एक्स वाला लिखाता है एम वन एक्स टू और एम टू एक्स वन, एम वन एम टू, और यहां से हो जाएगा एम वन वाई टू एम टू वाई वन। ये क्वेश्चन आप बनाते रहिए, ठीक है, वो फॉर्मूला एकदम आसान है, याद हो जाएगा। चलिए यहां पर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो इसमें क्या करना है, ये वन है तो वन इसके साथ में और टू इसके साथ में, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, वन इंटू माइनस टू प्लस ये वन टू इंटू फोर, टू इंटू फोर और बाय में वन प्लस टू, ठीक है। फिर से वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री और प्लस टू इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा और बाय में वन प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। एकदम फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं, एम वन कितना था, वन था, वन है, वाई एक्स टू है, एक्स टू कितना, ये एक्स वन एक्स टू, सॉरी एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, ठीक है। यहाँ बोला एक्स टू, एक्स टू ये है, माइनस टू बैठा दिए, प्लस का साइन फॉर्मूला प्लस है, एम टू फिर वही चीज, एम टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एम टू टू है, ठीक है, यहाँ पर एम टू टू बैठा दिए, इंटू में एक्स वन, एक्स वन ये फोर है, फोर बैठा दिए, बाय में एम वन प्लस एम टू, एम वन वन और ये टू, इसी तरह से इसको बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, वन इंटू माइनस टू, माइनस टू प्लस फोर टू जा एट, बाय वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, ये माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू, बाय में थ्री आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स बाई ए, माइनस टू और एट प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा सिक्स, सिक्स बाई थ्री टू आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा और बाय में थ्री, ये इसका कोऑर्डिनेट निकाल गया। तो इस तरह से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकला, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट इधर स्पेस नहीं है, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो इसी तरह से पुट कर देना है, क्यू का ये टू के साथ में ये माइनस टू, टू इंटू माइनस टू और प्लस वन इंटू फोर, वन इंटू फोर। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो फिर इसको क्या कीजिए,
फॉर्मूला बैठा के इसको, थोड़ा लॉन्ग जाएगा फॉर्मूला बिठा के इसको और सॉल्व कीजिए लंबा में, ठीक है, एकदम आसानी से समझ आएगा। ये 2 × -2 और 1 × 4 इस तरह से आएगा। ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई में तो दोनों रेसिप्रोकल कर देना, फिर वाई का कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 × -3 वाई वाला लिखे, 2 × -3 और प्लस का साइन ये 1 × -1 1 × -1, ठीक है, और बाई में m1 2 और m2, ठीक है, m1 2 m2 1 है, इसको ऐड कर देना, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका बताइए यहाँ पर आंसर में कमेंट बॉक्स में q = कितना आता है, ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं। पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स इसका गिवन है -3, 10 और 6 - 8, इसको बी मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसको ए, डिवाइडेड बाय -1, 6, एक पॉइंट है पी मान लेते हैं, इस ये है जो पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m1 to m2 के रेशियो में, ठीक है, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, लेट द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ऐसा करके आप फिर इंटरनली इन द रेशियो m1 to m2 ऐसा, और उसके बाद फिर लिखेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, p = फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा m1 x2 m2 x1, बाय में m1 + m2, ये हो जाएगा m1 y2 + m2 y1, और बाय में क्या हो जाएगा m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ से क्या जाएगा, अगर यहाँ से निकालते हैं तो पी का देखिए पॉइंट, पी का पॉइंट जो है गिवन है -1, 6, ठीक है, यहाँ से m1 रहने देंगे और x2 जो है m1 के साथ में x2 6 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 6m1 इसको 6m1 प्लस यहाँ से ये m2 तो m2 ही रहेगा और x1 -3 है तो यहाँ से लिख सकते हैं -3m2 और बाय में m1 + m2, ठीक है, यहाँ से भी m1 वही रहेगा, y2 कितना है -8 तो -8m1 हो जाएगा और यहाँ प्लस में m2 तो m2 ही रहेगा और y1 यहाँ 10 है तो 10m2 हो जाएगा और बाय में m1 + m2, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा, इसको इक्वल कर सकते हैं इस तरह से इसको इसके साथ में, क्योंकि ये किसका वेरी कर रहा है x कोऑर्डिनेट का जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है, इक्वालिटी दी सेम कोऑर्डिनेट, -1 = 6m1, माइनस यहाँ हो जाएगा जो प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 3m2 बाय में m1 + m2 हो जाएगा और इस तरह से इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट निकल रहा है, ये 6 है यहाँ पर गिवन वाई कोऑर्डिनेट, तो y = -m1 + 10m2 और बाई में हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, एक को ही सॉल्व कीजिए आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, माइनस अलग करना माइनस अलग कीजिए, प्लस अलग करना प्लस अलग कीजिए, ये इधर डिवाइड में पूरे इधर आ जाएगा तो किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी सेम रहेगा, बस इसमें माइनस का साइन बैठ जाएगा, 6m1 - 3m2, m1 को एक तरफ कर देना, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6m1 = उधर है -3m2, ये इधर प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा और नीचे कट जाएगा तो इसको नहीं इसको बना रहे, इसको यहां तक रखने देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस m1 और माइनस दोनों से एड हो जाएगा, 1m1 और 6m1, -7m1 हो जाएगा = यहाँ से प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो -2m2 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इधर रखेंगे ये m1,
इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये m1 और ये m2 उधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू, ये इधर 2 और ये इधर 7 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2 इज टू 7 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से यहां पर डिवाइड कर रहा है कौन कौन सा पॉइंट को, ए को जिसका कोऑर्डिनेट 1 एंड -5 है और बी को जिसका कोऑर्डिनेट -4 एंड -5 है। ठीक है, इसको एक पॉइंट है सो डिवाइड कर रहा है किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो याद रहे कि अगर x एक्सिस से डिवाइड करता है, जैसे ये कोई पॉइंट है यहाँ पर x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस पर पॉइंट होगा तो ये x तरफ गया है ना, x तरफ गया, x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y तरफ गया ही नहीं है, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करना है, x जो होगा 0 और ये सॉरी x जो होगा वो x ही रहेगा, x का वैल्यू निकालना है और y जो रहेगा वो 0 रहेगा। और यहाँ पर ये भी निकालना है कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो m1 is to m2 मान लिए, यहाँ से लिख सकते हैं उसको, let the consider to line joining AB in which the coordinate of A इतना B का इतना is intersect या तो divide by point P in point P x0 in the ratio m1 is to m2। यहाँ से आप लिख सकते हैं bisection formula। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन और यहां से हो जाएगा एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू, यह हो जाएगा। अब इसको क्या करना, इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देना। ठीक, P इज इक्वल टू एम वन, तो एम वन एम वन एम टू सेम रहेगा, बस एक्स टू और एक्स वन देखना है, ये है एक्स वन, ठीक है, ये है एक्स वन और ये है एक्स टू, यहाँ रहेगा ये वाई वन और ये रहेगा वाई टू। ठीक है, एक्स टू भाई -4, तो यहाँ -4 एम वन लिख सकते हैं, एम वन को बाद में लिख दिया, एक्स टू का वैल्यू बता दिए, यहां से फिर प्लस का साइन, एम टू बाद में लिखेंगे, एक्स वन है 1 तो 1 M2 लिखेगा, 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता है, बाय में M1 प्लस M2। ठीक है, और अब अगर देखें यहाँ पर M1 तो M1 नहीं पता फिर रहने देंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे, Y2 कितना है 5, तो यहाँ पर बैठाएंगे 5 M1 प्लस M2 रहेगा, Y1 कितना है -5, तो यहाँ से ये प्लस माइनस ये रहने देते -5 M2, ये हो जाएगा, और बाय में M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो P का जो है कोऑर्डिनेट गिवेन है कितना है x, 0, ये किसका कोऑर्डिनेट निकल रहा है x का, तो यहां पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 m1 प्लस m2 बाय में m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। यहां पर देखें यहां पर x भी, ये भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है, तो यहां से नहीं निकलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो है वो जीरो, ये किसका निकाला y का, y का कितना की मैंने 0, तो 0 इज इक्वल टू 5 m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां से फिर ये भी आ जाएगा 5 m2 बाय में m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, सॉरी इधर डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होगा टोटल 0 हो जाएगा, 5 m1 माइनस 5 m2 है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये m2 को चाहे m1 को इधर ले जाते हैं, m1 को इधर ले आएंगे तो माइनस यहाँ पर प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 m1 इज इक्वल टू -5 m2 बचा हुआ है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, कितना टाइम में 1 1 एक से है ना, यहाँ से रह जाएगा m1 और बाय में उधर है मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा बाय में हो जाएगा इज इक्वल टू 1 by 1 आ जाएगा, यानी कि m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया 1:1। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका रेशियो निकालने बोला था तो रेशियो निकल गया है ना, तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए बोला था रेशियो निकाल के यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं m1 is to m2 is equal to 1:1, ये रेशियो निकाल गया। इक्वेशन फर्स्ट से क्या था, x is equal to -4 m1 और प्लस m2 by m1 plus
एम टू था, ठीक है। यहाँ पर ये एम टू है, अब क्या करना है, एम वन और एक्स टू का वैल्यू सिंपली बैठा देना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा, एम वन भी वन तो फोर इंटू वन, फोर माइनस फोर ही वही रहेगा, यहाँ पर वन वन प्लस वन ये कितना जाएगा, माइनस फोर प्लस वन बाय वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां से माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री बाय टू, देयर फोर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी निकालने बोला था, क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाय टू कॉमा जीरो, ये हो गया इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ था इसका।